दोस्तों इसका हार्डवेयर डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, मजबूत है। साथ साथ बात करें इसके लाइट्स की, तो इसमें पावर का एंड PON आफ्टर दैट LOS LAN 2 LAN 1 एंड फोन के लिए यहाँ पे लाइट्स मिल जाती। बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइटम है ये और लॉन्ग टाइम तक चलने वाला आइटम है ये। साथ साथ बात करें इसके पीछे के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की, तो दो लैन पोर्ट मिल जाते हैं और एक PNT फ़ोन कनेक्ट करने के लिए और एक ऑप्टिकल पावर इनपुट करने के लिए। साथ ही वाईफाई को इनेबल और डिसेबल करने के लिए भी एक बटन मिल जाता है और WPS कंट्रोल करने के लिए भी एक बटन मिल जाता है। और इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है, हमने काफ़ी इसको यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है, बहुत ही अच्छा इसका कम्युनिकेशन है। और ज़्यादातर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं इस टाइप के ही डिवाइस को यूज़ करते हैं। हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर जहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर लिया है एंड अब IP एड्रेस डालेंगे जिसके द्वारा हम इस वाईफाई डिवाइस को एक्सेस करेंगे। तो जैसे कि मैं बता दूं, इस वाईफाई डिवाइस को एक्सेस करने के लिए जो IP एड्रेस होता है वो होता है 192.168.1.1। ये लॉगिन पे जा चुका है, मैं ISP इंटरफेस चाहिए तो यूजर नेम एडमिन डालना है और पासवर्ड डालना है स्मॉल लेटर में STD कैपिटल लेटर में ONU 101 और वेरिफिकेशन कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही एक बार आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद एक ऐसा विंडो खुल के आता है जहाँ पे जो ओल्ड पासवर्ड है उसको चेंज करने का ऑप्शन आता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड डालेंगे और एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पासवर्ड हम चेंज कर रहे हैं ये लॉगिन पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, न कि वाईफाई का पासवर्ड। यूजर नेम डालेंगे, आफ्टर दैट जो नया वाला पासवर्ड हमने अभी क्रिएट किया वो पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सफलतापूर्वक लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस मॉडल डिवाइस ID एंड हार्डवेयर वर्जन काफ़ी कुछ है। तो हमें क्या करना है, नेटवर्क में जाना है सबसे पहले। तो दोस्तों नेटवर्क पे क्लिक करते हैं। हमारे चैनल पे अगर जो आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहते हैं। राउट मोड कर देंगे, आफ्टर दैट इसका जो कम्युनिकेशन टाइप है उसको PPOE कर देंगे, PPPOE। अब यहाँ पे VLAN ID डाल देंगे जो भी ऊपर से मिला हो और यूजर नेम डालेंगे यहाँ पे, सर्विस नेम में FTTS डालेंगे स्मॉल लेटर में, ये डालना ज़रूरी होता है। और इसके बाद सेव अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारे डिवाइस कॉन्फ़िगर हो गया है BSNL के जो FTTS कनेक्शंस क्रिएट होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि BSNL का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपना लोकल इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, सिंपली अगर जो PPOE मोड पे ही चला रहे हैं तो क्या करेंगे, VLAN, तो अगर जो यूज़ करते हो तो VLAN मोड को टिक करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। एंड जो भी उनका यूज़र नेम हो यूज़र नेम डालेंगे, आफ्टर दैट जो भी उनका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चलता हो वो पासवर्ड डालेंगे इधर को एंड अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से जो एक लोकल प्रोवाइडर्स होते हैं वो इस तरह से कॉन्फ़िगर करके चला सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो देखा आपने, ये दोनों ही टॉपिक्स कितने इम्पोर्टेंट थे और इसको समझना बहुत ज़रूरी था। सो गाइस, हमने इस वीडियो में इस टॉपिक्स पे बात कर ली है। हम इस टाइप के ही वीडियोज़ लाते रहते हैं इम्पोर्टेंट एजुकेशन से रिलेटेड, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने उन फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप के द्वारा फेसबुक के द्वारा शेयर जरूर करें ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ पाएँ एंड बेनिफिट ले सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में मिलेंगे।
अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स के लिस्टेड लिंक वगैरह शेयर कर रखे हैं जो कि आपके लाइफ को ईजी बना सकते हैं, जैसे कि आपके वाईफाई के लिए पावर बैंक, साथ ही साथ स्लाइडिंग सीढ़ी हो गया, और बहुत ही अच्छे अच्छे और भी आइटम्स जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है। ऐसे आइटम्स के लिंक शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करें एंड उस आइटम्स को परचेस करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको अगला वीडियो अब किस टॉपिक पे चाहिए, और साथ ही शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा अपने मित्रों में लिंक शेयर जरूर करें, जिससे कि हम इंडिया में टेक्नोलॉजी का विकास कर सकें।